जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाग मिसाइल सिस्टम के बारे में। दोस्तों, नाग मिसाइल जिसको प्रोस्फेरा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक थर्ड जनरेशन ऑल वेदर फायर एंड फॉरगेट लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च एंटीटैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, और इसको विकसित करने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था वो एनिमी के मेन बैटल टैंक्स, जो कि काफ़ी हाईली आर्मर्ड होते हैं, उनको तबाह करना था। ये चाहे दिन हो या रात हो या किसी प्रकार का मौसम हो, उसमें एनिमी के जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, टैंक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनको तबाह करने की कैपेबिलिटी के साथ में आती है। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट टॉप अटैक कैपेबिलिटी के साथ में आती है, जो कि एनिमी के मेन बैटल टैंक्स, जो कि हाईली कंपोजिट और रिएक्टिव आर्मर के साथ में होते हैं, उनको डिफीट करने के लिए पैसिव होमिंग गार्डन्स का इस्तेमाल करती है। इस मिसाइल की रेंज की बात की जाए तो नाग मिसाइल की रेंज 500 मीटर से लेकर के 4 किलोमीटर की है। वहीं इस मिसाइल का वेट 43 किलोग्राम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 230 मीटर पर सेकेंड है। और अगर हम बात करें इसमें वॉरहेड की, तो नाग मिसाइल में 8 किलोग्राम का टैंडम शेप चार्ज वॉरहेड इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एनिमी के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाग मिसाइल एक्टिव इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर और मिलीमेट्रिक वेव एक्टिव रेडार होमिंग सीकर के साथ में आती है। नाग मिसाइल को लेकर के ये कहा जाता है कि ये सिंगल शॉट में ही एनिमी के टैंक्स को तबाह करने की जो कैपेबिलिटी है उसको प्राप्त कर चुकी है। वहीं अगर हम इसके सेल्फ लाइफ की बात करें तो वो 10 वर्ष से ज़्यादा की है। नाग मिसाइल को कैरी करने के लिए जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम नैमिका के नाम से जानते हैं, जो कि बेसिकली BMP-2 सारथ पर आधारित है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये एम्फीबियस प्लेटफॉर्म है, यानी ये जमीन के साथ साथ पानी में भी चलने में सक्षम है। नाग मिसाइल को डिफेंस PSU भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। वहीं इसका जो प्लेटफॉर्म है वो ऑर्डेंस फैक्ट्री मेदक के द्वारा बनाया जाता है। नैमिका का जो वेट है वो 14.5 टन का है फुल कॉम्बैट लोड के साथ। और पानी में इसकी जो रफ्तार होती है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। नैमिका में 6 रेडियो टू फायर मिसाइल होती हैं और 6 मिसाइल स्टॉक के तौर पर जो है उस कैरियर में मौजूद होती हैं। इसके अलावा नैमिका में 2 कंपस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से एक गनर के लिए होता है और दूसरा होता है कमांडर के लिए, जो कि इन्हें सही मायने में जो हंटर किलर कैपेबिलिटी है वो प्रदान करता है। क्योंकि टारगेट जो कि तकरीबन 7 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की दूरी पर भी लोकेटेड है, ये वहाँ तक मिसाइल को फायर करवा सकता है। इसके अलावा ये जो नैमिका है उसमें एडवांस्ड लैंड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कमांडर को बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस बैटल फील्ड में प्रदान करती है। और इससे जो उनकी कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। अगर हम कंपस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर की बात करें तो इसका निर्माण इजरायली फर्म इल्बिट सिस्टम्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक टेक्निकल कोलेबोरेशन एग्रीमेंट इल्बिट सिस्टम के साथ साइन किया है, जहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन EOIR पेलोड्स को भारत में ही बनाया जाता है। और इसके अलावा जो लाइफ टाइम मेंटेनेंस सपोर्ट है वो भी प्राप्त होता है। इस सेंसर का इस्तेमाल सिर्फ नैमिका में नहीं बल्कि HAL के रुद्र और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में भी किया जाता है। इसके अलावा सैकड़ों अनमैन एरियल व्हीकल जो हैं उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है, और जो फिक्स विंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी इनको इस्तेमाल करते हैं। कंपस REV3 एक डे एंड नाइट सर्वेलेंस सिस्टम है, जिसमें कलर TV डे लाइट कैमरा, थर्ड जनरेशन मीडियम वेव इंफ्रारेड सेंसर, लेजर टारगेट डेजिग्नेटर और रेंज फाइंडर, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, इंटरनल GPS और ऑटोमेटिक ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज़ मौजूद होती हैं। इसके अलावा इसमें कमांड और कंट्रोल कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं। नाग मिसाइल जो कैरियर है इसमें 6 नाग मिसाइल रेडी टू फायर मोड में होती हैं, और जिसमें से 6 की 6 जो मिसाइल्स हैं इन्हें सिर्फ 20 सेकंड के समय अंतराल में फायर किया जा सकता है। जो मिसाइल लॉन्चर है 360 डिग्री की फायर कवरेज कैपेबिलिटी के साथ में आता है, और इसकी जो एलिवेशन कैपेबिलिटी है वो 0 से लेकर के 24 डिग्रीज तक की है। व्हीकल में ऑलरेडी एक ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा इसमें 7.62mm का एक रिमोटली कंट्रोल मशीन गन भी शामिल है, जो कि इसकी फायर कैपेबिलिटी को और भी ज्यादा एनहेंस करती है। अब आइए बात कर लेते हैं नाग मिसाइल सिस्टम के इंडक्शन की। तो अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट की बात माने तो जो नाग मिसाइल है वो नैमिका के साथ पहले ही इंडियन आर्मी का हिस्सा बन चुकी है। और गौर करने वाली बात एक ये है कि फरवरी 2021 के बाद अभी एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर यह बताया गया है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 293 नाग एंटी टैंक मिसाइल और 13 नाग मिसाइल कैरियर्स का जो ऑर्डर है वो प्लेस किया है या उसको क्लियरेंस दी है।
तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी नाग मिसाइल और नाग मिसाइल कैरियर के बारे में। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।